राफेल खरीद समझौते मामले में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम परिसर से विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी महानगर और जिला इकाई ने कहा कि राफेल खरीद समझौते के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी तथ्यहीन, बेबुनियाद, निराधार एवं अतार्किक प्रश्न खड़ा करके उसे दुष्प्रचारित कर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख से समझौता कर जनता से बोले गए इस गंभीर झूठ के लिए उन्हें लोक सेवक के पद से मुक्त किया जाना चाहिए। रैली में उपसभापति जितेंद्र सैनी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रमेश सिंह, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने कहा, ये जो राहुल गांधी ने पूरे देश में राफेल सौदे को लेकर के एक झूठ का आडंबर खड़ा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि राहुल गांधी की बात पूरी झूठी है और उस पर भी वो आदमी मान नहीं रहे हैं, हम लोग उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने पूरे देश में झूठ बोल रही है, कांग्रेस पूरा झूठ बोल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के कार्यकर्ता माननीय जनार्दन तिवारी जी जिलाध्यक्ष, माननीय राहुल श्रीवास्तव जी महानगर अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी राफेल पर एक्सपोज हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और उनको इस झूठ बोलने से रोका जाए। राहुल गांधी ने जिस प्रकार देश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया और ये जो राफेल सौदे की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे तर्कहीन और तथ्यहीन और जो उन्होंने आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि यह राफेल सौदे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है और यह देश के लिए जरूरी सुरक्षा के लिए जरूरत थी। केंद्र में जब मोदी जी की सरकार के पूर्व में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो सेना और राष्ट्र के लिए यह राफेल हथियार बहुत आवश्यक था, जिसमें केंद्र ने इसमें कोई रुचि नहीं ली थी। जब सदैव मोदी जी की सरकार आती है तो वह राफेल के लिए देश की जरूरत को समझते हुए उन्होंने इस पे सौदा किया था और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है इससे हम सभी भारतीय जनता पार्टी अपने जिला और महानगर इकाई के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आज महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देने का कार्य करेंगे और हम सभी जिला और महानगर इकाई के सभी कार्यकर्ता मांग करते हैं कि राहुल गांधी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उन्हें निश्चित तौर पे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज गोरखपुर जिला और महानगर इकाई के कार्यकर्ता नगर निगम से चल करके कलेक्ट्रेट पहुंच करके राफेल सौदे पर जो देश को गुमराह करने का कार्य राजीव गांधी ने किया है, देश की सुरक्षा मानकों से जो खिलवाड़ किया है राहुल गांधी ने, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और राहुल गांधी को लोक महत्व के किसी पद पर न रहें ऐसा हम दबाव बना करके महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि तत्काल राहुल गांधी को लोक महत्व के किसी पद पर न रहें, उनको बर्खास्त किया जाए और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के अभी यहाँ से चल करके ज्ञापन देते हैं।